हाय एवरीवन, मैं श्वेता श्वेता कुकिंग जोन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन गट्टा, इसे हम बेसन की सब्जी भी कह सकते हैं। अगर घर में कोई सब्जी नहीं हो तो आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट होता है, बहुत ही आसानी से बन भी जाता है। तो आइए देखिए बनता कैसे है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो रेड सब्सक्राइब बटन को ग्रे करें मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, बेल आइकन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें और अपने सगे संबंधियों के साथ इसे शेयर करें और हमें कमेंट करें। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन का डो तैयार कर लेते हैं। एक थाली में हम एक कटोरी बेसन लेंगे, आपको जितना बनाना है उस अनुसार आप ले लें। ये मैंने 1 चम्मच और बेसन साइड में रखा है, जब ज़रूरत होगी उसे हम यूज़ करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच घी। घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गट्टे का और थोड़ा सॉफ्ट भी होता है। ये हमने छाछ लिया है, दही उसे हमने अच्छे से पतला कर लिया है, आप चाहें तो दही में भी इसे सान सकते हैं। हम इसका डो दही में ही तैयार करेंगे, पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। तो इसे हम अच्छे से छान लेते हैं, डो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा डो हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल डालकर चिकना कर लेंगे, क्योंकि बेसन हाथों में चिपकता है, तो हम थोड़ा सा तेल लेंगे और इसे हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे हम। ये देखिए हमारा डो लगभग रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं कितना चिकना हमारा डो रेडी हुआ है। इसे थाली में ही सानें, बहुत ही अच्छे से हम इसे थाली में सान ले सकते हैं। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और एक को हम इस तरह से लंबा कर लेंगे, बिल्कुल चिकना सा। इसी तरह से हम दोनों को कर लेंगे। आप देखिए कितना चिकना हमारा बना है बेसन गट्टा। ये देखिए मैंने दोनों गट्टों को तैयार कर लिया है। अब इसको हम बीच में कट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, इसे आसानी से पक जाएंगे, बहुत जल्द ही पक भी जाएंगे। अब हम गैस पे पानी को उबालने के लिए रख देते हैं। ये देखिए पानी में उबाल आने लगा है। अब इसमें हम अपना बेसन गट्टा डाल देंगे और इसे हम हाई मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हम पकने देंगे। ये देखिए अभी सतह के नीचे बैठा हुआ है, जब ये ऊपर आ जाएंगे तो समझिए कि आपका गट्टा रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा गट्टा रेडी हो गया, पानी के ऊपर आ गए हैं, देख सकते हैं आप। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस पानी को आप फेंके नहीं, इसे का हम जो ग्रेवी होता है वो तैयार करेंगे। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं, इसे हम साइड कर लेते हैं। अब हम कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और जीरा 1 चम्मच। ये देखिए जीरा हमारा पक गया है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे, जिससे कि ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम 2 बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे हम हल्का सा सॉटे कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक।
मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब फ्लेम को लो कर देते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा गोलकी पाउडर, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लो फ्लेम पे ही मसाला डालें, नहीं तो मसाला जल जाएगा। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर प्योरे। मैंने 2 टमाटर का प्योरे तैयार किया है। इसे अच्छा सा पका लेते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है हमारा ग्रेवी में। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। चलिए हम मिक्स कर लेते हैं। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, इसे भी मिक्स कर लें। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, जो हमने गट्टा उबाला था वो पानी। अब इसे हम अच्छे से उबलने देते हैं। अब हम गट्टे को काट लेते हैं छोटे छोटे पीस में। देखिए इस तरह से कट करिए, कितना सॉफ्ट हमारा गट्टा है आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से कट जा रहे हैं। ये देखिए हमारा ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब इसमें हम अपना बेसन गट्टा डाल देंगे। इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं। बिना फ्राई किए बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब इसे हम पकने देते हैं। ये देखिए हमारा रेडी हो गया है बेसन गट्टा, कितना अच्छा हमारा बना है ये देख सकते हैं आप। कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे लगभग 2 छोटा चम्मच मलाई क्रीम, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। क्रीम जब भी डालें फ्लेम को ऑफ करें उसके बाद ही डालें। और ये देखिए हमारा कितना अच्छा बना है। अब इसे हम सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, आप यकीन मानिए बहुत ही सॉफ्ट बनता है। इस तरह से आप भी बनाइएगा, आपका भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। कोई भी सब्जी नहीं तो इसे आसानी से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट हमारा बना है। ये देखिए कितनी आसानी से कट हो गए, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही टेस्टी भी होता है। मैं आपको पास से दिखा दूंगी कितना अच्छा हमारा बेसन गट्टा बना है। आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए क्रीम डाल देती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी बनता है। तो आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिए और हमें कमेंट करिए कैसा लगा आपको। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।